सम संश्चराय नमः। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्तीम परेणमालां मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठां सरस्वतीतां शीर्षां नमामि। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। 23 दिसंबर 2023, जानेंगे आज मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आज का सभी का हाल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से रहेगा, गज केसरी योग आपकी राशि पर बन रहा है जो कि सबसे उत्तम कहा जाता है, यानी कि पैसे को लेकर के, धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। आज आप काफी प्रसन्नचित रहेंगे, नए कार्य या नए काम की खोज आप करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा और क्या काम करना चाहिए। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा चिंतित आज आप दिखाई देंगे, तो वहां पर भाग्य की स्थिति को देख रहे हैं तो पिता के साथ में थोड़ा सा या फिर अपने ननिहाल की तरफ से थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आज भाग्य आज आपका साथ काफी देगा, कुछ फेमस हो सकते हैं आप किसी कार्य को लेकर के, प्रसिद्धि आज आपको मिल सकती है, तो वहीं पर सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का भी योग बनता है। गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो आपके किसी सीनियर पर्सन से आज आपकी मुलाकात होगी और उससे बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य प्रतिशत अंक मिलता है 26 और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा गुलाबी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आज खर्ची की स्थिति सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखा रही है, अत्यधिक खर्च में जो है कि वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम की स्रोत अवश्य बनेगी बट खर्च सबसे अधिक होने वाला है। सुख समृद्धि भाव को लेकर के, अपने भाग्य स्थान को लेकर के थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, आज आप लकी साबित नहीं होंगे, अतः अत्यधिक तेजी से कार्य की तरफ मत बढ़िए, आज आपको थोड़ा रुक करके कार्य को करना चाहिए। नए कार्य के शुभ अवसर आज आपको प्रदान अवश्य होंगे पर किसी भी चीज को लेकर के सिग्नेचर मत करना, किसी डॉक्यूमेंट्स पे है या किसी पार्टनरशिप को लेकर के, तो आज आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए लॉस होगा। संतान की बात करें तो संतान पक्ष की तरफ से जो है कि आज बहुत काफ़ी चिंतित रहेंगे, बच्चे की एजुकेशन या पढ़ाई को लेकर के सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। थोड़ा सा मानसिक स्थिति आपके बच्चे की आज ठीक नहीं रहने वाली है, पूरा फोकस आज पूरा दिन आपका फोकस अपने परिवार अपने बच्चों की तरफ पूर्ण रूप से बना रहेगा। जिस व्यक्ति को विवाह के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार जो कर रहे थे, आज बात फाइनल हो सकती है या बात आज आपका बन सकती है और खरमास के बाद ये विवाह आपके फिक्स होने के संयोग बन जाएंगे, यानी कि बात पूरी होगी परंतु फिक्सअप होने में टाइम लगेगा, तो जो है कि थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरतने की आवश्यकता है। अगर विदेश जाने का कोई प्लानिंग अगर आप करें तो बहुत अच्छा संयोग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, आप बाहर जाने की प्लानिंग करें या कोई बाहर से आपको लेटर कोई मिल सकता है या कोई सूचना आपको मिल सकती है कि आपको हवाई यात्राएं जो हैं कि अवश्य करनी पड़ेगी। अगर बाहर से संबंधित कोई कार्य अगर कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अगर कोई कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं तो आज आपको अत्यधिक लाभ होने के संयोग बनते हैं। आज प्रतिशत अंक आपको प्राप्त होता है 29% और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा फिरोजी, जो कि सार्वधिक शुभ रहेगा आपके लिए। वहीं पर अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए आज काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है बनी रहेगी, डबल माइंडेड आप बने रहेंगे, कार्य में करूं अथवा ना करूं ऐसी उलझने आपके दिमाग पर जो है कि बनी रहेगी, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। बीपी या शुगर की अगर पेशेंट है तो आज आपको बीपी भी बढ़ेगी और शुगर में भी ग्रोथ होगा, अतः मानसिक चिंताओं को आपको छोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करें और साथ में जल से भी अभिषेक करें,
काला तिल डालकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, तो इससे आपके करियर में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आप अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी की तरफ से थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आज कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप लोगों को प्रेम करना है, एक दूसरे के समीप ज़्यादा टाइम व्यतीत करना है। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 25% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नीला। सार्वधिक शुभ होगा आपके लिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि पर गर्त केसरी योग का निर्माण होता है, वो भी कर्म स्थान पे। अतः कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन आज आप देखने को प्राप्त होगा। कैरियर में काफी ऊंचाइयों तक जाने का योग बनता है। कैरियर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं तो वहां पर आज आपका नेम फेम यश होने वाला है। इंक्रीमेंट होगी, समझ लीजिए सीधा। अगर पावर अगर मिलती है तो पैसा अपने आप पीछे भागेगा, तो पावर मिलने की संयोग भी बनते हैं। हवाई यात्राएं करने का योग बनता है, बहुत प्रबल योग बन रहा है। क्या कोई सूचना मिल सकती है जो कि आपके लिए सार्वधिक शुभ रहेगा। वहीं पर हम संतान की बात करें तो संतान को लेकर के थोड़ा सा मानसिक स्थिति बनी रहेगी, उसके एजुकेशन इत्यादि को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब आप यहाँ पे आज महसूस करने वाले हैं, लेकिन करियर को भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है आपके मेष राशि पर, तो कर्म स्थान जो है कि थोड़ा सा आज आपका डिस्टर्ब होने वाला है। अपने साथ में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में तालमेल बना करके आज आपको रखने की जरूरत है। भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक आज अवश्य कीजिएगा, सार्वधिक शुभ रहेगा। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 27 और लकी कलर रहेगा आपका केसरिया। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान पर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जिससे आज आप काफी लकी साबित होंगे, लेकिन अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। वाणी से आज आपका काम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद रहेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि तलाक वाली स्थिति अगर बन रही है या सेपरेशन वाली स्थिति बन रही है तो ये बात आज कोर्ट तक भी पहुंच सकती है या आगे जा करके कोर्ट तक पहुंचती या दूरियां बन सकती है। अतः पति पत्नी के संबंध को मधुर करने के लिए आज आपको यह उपाय अवश्य करना है। पीपल के वृक्ष के पास में काला तिल थोड़ा सा लेके जाएं और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करें और साथ में मंत्र बोलें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और आज आपके लिए प्रतिशत अंक आपको मिलता है 29% और आज आपके लिए लकी कलर जो साबित होगा नारंगी, सबसे बेस्ट कलर रहेगा आज आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आदित्य राज योग का निर्माण होता है। घर परिवार में समाज में अपने आसपास आज आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी और यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कुछ सरकारी खजाने से धन का योग भी बनता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में से हैं तो कोई पद प्राप्ति हो सकती है आज आपको या सम्मानित तो हो सकते हैं। अतः आपके लिए टाइम द बेस्ट, बहुत बढ़िया टाइम आज आपके लिए रहेगा। दिन काफी का अच्छा आपका निकलने वाला है, लेकिन कोई पुराना रोग अगर होगा, कोई भी पुराना रोग होगा जैसे जॉन्डिस हुआ या बीपी की प्रॉब्लम हुई या यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आज आपको हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखने। कोल्ड के कारण से आपको सर्द गर्म या फिर बुखार इत्यादि होने की संभावना पूर्ण रूप से बनती है। आज थोड़ा सा आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आज आपके लिए प्रतिशत अंक आपको मिलता है 35% और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा फिरोजी, सार्वधिक शुभ रहेगा। तो तुला राशि, जीवन साथी का बहुत बड़ा सहयोग आज आपको मिलेगा। अपने भाइयों के साथ में संबंध काफी मधुर दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर संतान पक्ष को लेकर के मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। आज आपके कैरियर में काफी हद तक करके रुकावटें होंगी। आज आपके कार्य क्षेत्र में काम आपके मन मुताबिक नहीं होने वाला है। अतः आज आपको उपाय कर लेना चाहिए। किस चीज का आप उपाय करेंगे, कौन से देवी देवता की उपासना करेंगे, आज आपके लिए लकी साबित होगा। आप करके देखिएगा, अजमाइएगा जरूर इस चीज को। आज आपको माता रानी की पूजा करनी है आपको, अगर हो सके
तो संतरा आज उनको भोग में अर्पित करें। आज आपके लिए प्रतिशत अंक मिलता है 28%, और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा चमकीले रंग का, कोई भी वस्त्र धारण करें व्हाइट यानी कि सफेद कलर, शाब्दिक शुभ रहेगा। वहां पे अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा आपको। अपने घर से ही आज प्रारंभ देखिएगा, दिन का शुभ आरंभ ही आपके गुस्से से होने वाला है। अड़ियल जिद्दी स्वभाव वाली स्थिति यहां पर बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा रहेगा, और खास करके यहां पर देखेंगे कि मैरिड लाइफ में काफी हद तक करके ताना बुना बना रहेगा, पारिवारिक संबंधों को लेकर के काफी दिक्कतें आने वाली हैं, और यही कारण आज आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। जीवन साथी के साथ में तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, इसलिए जितना हो सके आप तालमेल बना करके रखिएगा। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके साथ में शादी करने की योजना बना रहे हैं, नहीं होगी ये बात, आज आपकी कट जाने वाली है, ये बात होने बिल्कुल नहीं। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 28, और सबसे ज्यादा जो आपके लिए लकी कलर रहेगा केसरिया, लकी कलर रहेगा केसरिया रंग का आज यूज अवश्य कीजिए। धनुराशि, तो वहां पर धनुराशि की बात करें, धनुराशि वालों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि जबरदस्त, सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का योग। अगर आप कोई चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, नंबर एक चुनाव लड़ने का कोई योजना बना रहे हैं, अथवा विदेश जाने का कोई योजना बना रहे हैं, तो आज ये चीजें आपकी फाइनल होने वाली हैं। यात्रा अगर मौका मिलेगा अवश्य कीजिएगा, हो सकता है कि आपको यहां से बाहर अगर जाए तो वहां पर सेटल हो सकते हैं, कार्य आज आपका सिद्ध जरूर होगा, कोई संदेह नहीं। कॉन्फिडेंस को अपने मजबूत करके रखिएगा, आपके मन में एक प्रतिशत ऐसा मिलेगा कि हम नहीं करेंगे, या हम मैदान में नहीं उतरेंगे, या फिर हम बाहर जाने का योजना को कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार के आपके मन में ऐसी स्थिति बनी, लेकिन संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत यहां पर दिखाई दे रहा है। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा आज, जिसके कारण से काफी मानसिक स्थिति आपकी डिस्टर्ब रहेगी। आज आपको उपाय क्या करना है, आज के दिन आपको उपाय करना है, शनि भगवान के समक्ष एक सरसों का तेल का दीपक आपको अवश्य जलाना है, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। आज आपको प्रतिशत अंक मिलता है 31%, और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा पीला। तो वहां पे अगर हम मकर राशि की बात करें, तो मकर राशि वालों के लिए खर्चा बहुत ज्यादा है, इनकम बिल्कुल नहीं है आज। आज कोई भी प्रॉफिट आज आपको नहीं होने वाला है, जो पीछे किए गए कार्य का बेनिफिट आज मिल जरूर सकता है, लेकिन आज का क्रेडिट आज आपको नहीं मिलेगा, काफी उदास मन में रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, दोस्तों की तरफ से काफी खुशियां रहेंगी। ड्रिंक से बचिएगा, स्मोकिंग से बचिएगा आज, कहीं पर लड़ाई झगड़ा चीज हो सकती है, अपनी बातों से अपने कार्य को स्वयं खराब कर लेंगे, हो सकता है आपकी आज किसी को आपकी बातें ना अच्छी लगे, ध्यान दीजिएगा। गाड़ी के लिए योजना बन सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए आज आपकी योजना बन सकती है, या न्यू मकान के लिए योजना आपकी आज बन सकती है, और ये योजना जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। प्रतिशत अंक बहुत कम मिलता है आपको, 19%, और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा आसमानी। कुंभ राशि की बात करें, तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा जाने वाला है। कोई नया कार्य आपको करने का प्रस्ताव हो सकता है या मिल सकता है, अपना स्थानांतरण करने का, जो कार्य करने का कुछ स्थानांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी, और इस मुलाकात से आपके कैरियर में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। विदेश यात्रा जाने की योजना बना सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी तैयारी भी हो गई, आज जा भी सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और कुल दीपक राजयोग बनता है, यानी कि अपने कुल को परिवार को तारने वाला, कहीं ना कहीं आज आपके घर में, परिवार में, या समाज में, आपके आसपास में यही होगा कि ये बच्चा, ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए हमेशा लॉयल रहा। तो आज ऐसी कुछ चीजें आपको सुनने को मिल सकती है, कार्यों में थोड़ी सी कम मिलेगा, लेकिन मान सम्मान में जो है कि सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 38%, और आज आपके लिए लकी कलर जो रहेगा नीला। मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि वालों के लिए
थोड़ा सा झूठ कम बोलिएगा, क्योंकि इस झूठ को आज पकड़ा जा सकता है, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, और यह स्थान परिवर्तन आपके लिए लकी साबित होगा। कुछ ऐसी पारिवारिक स्थितियां जो हैं कि आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि जिसको आप आगे बढ़ करके कर देते हैं। आवश्यकता किसी दूसरे के होती है, पूर्ण आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी आपको, थोड़ा सोच विचार करके इस चीज को कीजिएगा। धन की हानि होती हुई दिखाई दे रहा है, इस पर्पज के कारण से मैं आज आपको बता रहा हूं। मान सम्मान करियर में भी काफी अच्छा मिलेगा, सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो पदोन्नति होने के योग बनते हैं। आज प्रतिशत भाग्य जो आपका साथ देगा वो देगा 22%, और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी। तो ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक लोगों का आज का हाल। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।